सिरसली मॉडल के जनक और बागपत से विकास संकल्प यात्रा लेकर निकले इंजीनियर रामवीर सिंह लगभग 150 गांव का दौरा कर चुके हैं, फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं इनसे कि जिस गांव में जा रहे हैं कैसा लोगों का इनको प्यार मिल रहा है और कैसा सहयोग मिल रहा है और इनकी यात्रा कब तक जारी रहेगी। रामवीर जी स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। अच्छा, आज छुर गाँव में पहुंचे हैं, कैसा कार्यक्रम रहा आज का? आज का कार्यक्रम मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा, बाकी आप लोगों ने देखा ही है। अच्छा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया गया है, क्या कहेंगे? देश के पूर्व प्रधानमंत्री के चौधरी चरण सिंह जो भारत रत्न दिया गया है, पूरे देश में हर्षोल्लास है और क्षेत्र की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही है। रामवीर जी, आप बागपत लोकसभा से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, रालोद का और बीजेपी का, तो क्या कहेंगे इस पर? एनडीए में चौधरी साहब का स्वागत है और जो भी पार्टी हाईकमान जैसा निर्णय लेंगे, जिधर भी सीट जाएगी, जो भी प्रत्याशी होगा उसको विजयी बनाने के लिए प्रयास करेंगे, सहयोग देंगे। या फिर मान के चलिए लोकदल और बीजेपी की बात अगर करें, यहाँ से चौधरी साहब ने चुनाव लड़ा, तो क्या आप किसी दूसरी पार्टी से ट्राई करेंगे या फिर पार्टी के कार्यकर्ता बन के रहेंगे? पार्टी के कार्यकर्ता बन के जो भी गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसको जीतना करेंगे। अच्छा रामवीर जी, आपकी बागपत जो संकल्प यात्रा है ये कब तक जारी रहेगी? बागपत संकल्प यात्रा हमेशा जारी रहेगी, जब तक आप क्षेत्र में रहेंगे लोगों की सेवा करते। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे इंजीनियर रामवीर सिंह से, जो सिरसली गांव को विकास का मॉडल बना चुके हैं और लगभग 150 गांव का दौरा कर चुके हैं, हर गांव में जा रहे हैं, लोगों का प्यार और सहयोग इनको मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि रामवीर जी की यह बागपत संकल्प यात्रा कब तक जारी रहेगी, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि ये जब तक क्षेत्र में रहेंगे इनकी संकल्प यात्रा जारी रहेगी। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।